मेरी लेखनी राजनीतिक व्यंग ज्यादा लिखती है, वही प्रेफरेंस मेरा है। हालांकि सारी विधा पर, सारे विषय पर काम करता हूं, प्रयास यही करता हूं, लेकिन राजनीतिक विधा मेरी ज्यादा है। अभी मैंने एक बीच में, अभी मैं दिवाली का ट्वीट देख रहा था, एक दिवाली के ट्वीट में कल शाम की बात है, उसमें एक आईटीएन फैमिली थी, पति भी आईटीएन था, पत्नी भी आईटीएन है, लेकिन देखिए आप दोनों की मजबूरियां देखिए आप, पति विदेश में है लेकिन पत्नी का वीजा नहीं लगा है, पत्नी घर पे है। उसने एक ट्वीट लिखा था, उस कपल ने, मैंने वो पढ़ा है और सिर्फ उसमें उनके शब्दों को मैंने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। हम लोग जब बाहर पढ़ते थे, बाहर विदेश परदेश में कमाते थे, तो हम लोगों के टाइम पर जब चिट्ठियां आती थी, मैसेज नहीं जाते थे, ट्विटर नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, सिर्फ चिट्ठियां थी, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। भाई साहब बैठिए, आप लोग दो मिनट, नेताजी लोग हैं तो आते जाते रहेंगे, आइए, ये नेताजी लोग, उन्हीं पर सुनाना है अभी, बैठिए। तो इनका काम ही है रोज आना जाना। सुनिएगा, अब आपने उठ लिया तो अब सुना ही देता हूँ। उसमें क्या हुआ, मैंने उन शब्दों को पढ़ा तो मैंने उनको पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। मीठा केवल प्यार नहीं, रूह अफजा भी हो सकता है। मीठा केवल प्यार नहीं विक्टर भाई, मीठा केवल प्यार नहीं। इनके पापा का नाम देवेंद्र कुमार है, कहीं खो गए हैं। इनका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, क्या नाम आपका है? श्री देवेंद्र कुमार जी, जहां कहीं भी हो, आपका एक कैलेंडर यहां घूम रहा है, देवांश नाम का बेटा आपका घूम गया है, जहां भी हो आप उसे प्राप्त करने की कृपा करें। यहां मंच के पास बच्चा खड़ा है और रो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आ जाएं और अपना आधार कार्ड दिखाकर बच्चे को ले जाएं। श्री देवेंद्र जी, हाँ भाई, और सुनिएगा, अभी अभी आप लोगों के लिए बहुत आइटम है भाई। लोग कहते हैं देसी दारू पीने वाले बड़े खराब होते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए वो सबसे महान होते हैं। मेरा नजरिया ऐसा है, उसमें वो सबसे देवेंद्र जी धन्यवाद। यार थोड़ा ख्याल रखा करो, कोई अपनी दीवार पे टांग लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसमें आप थोड़ा, आप लोग ध्यान दीजिए भाई, खाते पीते रहिए, हाथ का काम हाथ को करने दीजिए, मुंह का काम मुंह को करने दीजिए, कान का काम कान को करने दीजिए, आनंद लीजिए। देखिए, हमने देसी दारू वालों के सम्मान में चार पंक्तियां लिखी है, आज तक किसी कवि ने नहीं लिखा। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी है, लेकिन अंग्रेजी पे लिखी है, और मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। जो सत्तर वाली पीते हैं, जो सत्तर वाली पीते हैं, शेर नहीं वो चीते हैं। जो सत्तर वाली पीते हैं, शेर नहीं वो चीते हैं। इंग्लिश मांगे सब पनीर, इंग्लिश मांगे सब पनीर, वो नमक चाट कर जीते हैं। जो सत्तर वाली पीते हैं, शेर नहीं वो चीते हैं, शेर नहीं वो चीते हैं। चार चार पंक्तियां ऐसे आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि भोजन का आप लोगों का समय है, हमारी मजबूरी, हमें तो फंसाया गया है, पैसा वसूल कर रहे हैं विक्टर भाई, कोई बात नहीं है। चार पंक्तियां और सुनिएगा, हम वर्तमान राजनीति पे चार पंक्तियां सुनिएगा।
जिसको जो पार्टी पसंद है उसको पकड़ लीजिए और आनंद लीजिए। चार चार पंक्तियों होगा और देखिएगा हम लोग कई बार जानते हैं सब कुछ, हमारा कोई भला नहीं होने वाला है, लेकिन ये लोकतंत्र की बलिहारी है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम वोट देकर के उसका घर भरते हैं, उसके बच्चे कमाते हैं। हमारे वैसे मजदूरी आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आगे देखिए क्या ईश्वर जाने। चार पंक्तियां सुनिएगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं, देश तुम बर्बाद करोगे। सब जानते हैं, देश तुम बर्बाद करोगे। भ्रष्टाचार की ना जंजीर से आजाद करोगे, भ्रष्टाचार की ना जंजीर से आजाद करोगे। वोट फिर भी तुम्हें देते क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। संजय भाई आप ही हैं? अच्छा ठीक। अरे हम आप लेते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, मैं रुक नहीं सकता हूँ। समस्या ये है मेरे में स्टार्टर है, स्टॉपर नहीं है। सब जानते हैं, देश तुम बर्बाद करोगे, भ्रष्टाचार की ना जंजीर से आजाद करोगे, भ्रष्टाचार की ना जंजीर से आजाद करोगे। वोट फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। और दो पंक्तियां सुनिए। पहले संविधान की झूठी जिंदाबाद करोगे, पहले संविधान की झूठी जिंदाबाद करोगे। फिर पहले संविधान की झूठी जिंदाबाद करोगे, फिर पीढ़ियां बस अपनी आबाद करोगे, फिर पीढ़ियां बस अपनी आबाद करोगे। वोट फिर भी तुम्हें देते क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। और सुनिए बिल्कुल ताजा एक नया गीत, उसकी चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। बिल्कुल ताजा गीत राजेश भाई, आप लोगों ने सुना होगा राजनीति में एक शब्द आपने सुना होगा अपने आसपास माहौल में, चुल्ल होता है, चुल्ल चुल्ल लोग बोलते हैं ना, बड़ी चुल्ल है, बहुत चुल्ल मची है। सुनिएगा उस पर भी सुनिएगा। देसी चुल्ल, आप लोग लेकिन यार तालियां बजाएंगे तब इन गीतों में मजा आएगा, ऐसे तो आनंद नहीं आता। देसी चुल्ल, 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 देसी चुल्ल। होशियार बस नेता जी है बाकी जनता लुल। देसी चुल्ल, देसी चुल्ल, होशियार बस नेता जी है बाकी जनता लुल। देसी चुल्ल, देसी चुल्ल, रोजी रोटी को तरसे हैं सुखी राम दुखियारी। नाम सुखी राम है। रोजी रोटी को तरसे सुखी राम दुखियारी। मौज मारते नेता अफसर ओ बाबू सरकारी। रोजी रोटी को तरसे हैं सुखी राम दुखियारी। मौज मारते नेता अफसर ओ बाबू सरकारी।
रात रात भर दारू मुर्गा ढूंढ रहे बुलबुल, देसी चुल देसी चुल। आदमी राजनीति में इसीलिए आता है, पैसा पावर ऐश, यही तीन चीजें हैं राजनीति में। देसी चुल देसी चुल देसी चुल। और विक्टर भाई ने एक गीत का निवेदन किया था, आप लोगों को भोजन के लिए लेट हो रहा है, बस वो गीत दो चार पंक्तियां पढ़ के जाऊंगा क्योंकि पिछली बार भी नहीं पढ़ा था, विक्टर भाई बड़े नाराज से थे। तो इसमें एक गीत है जिसमें नई संस्कृति और पुरानी संस्कृति का मैंने एक क्षरण जो हो रहा है, नई संस्कृति पुरानी संस्कृति पर हावी कैसे होती जा रही है, मैंने उसको पढ़ने का एक प्रयास किया है उस गीत में। शायद मैंने अपने जीवन में इससे बढ़िया कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। उस गीत को सुनाता हूँ, उसके पहले चार पंक्तियां और सुना दूं। बड़े दिन बाद आए हो पुराने लोग कहते हैं, बड़े दिन बाद आए हो पुराने लोग कहते हैं, शहर अपना पराए तुम सयाने लोग कहते हैं, ये गलियां भूल ना जाना यहाँ वापस है फिर आना, तुम्हारे नाम से हमको दीवाने लोग कहते हैं, तुम्हारे नाम से हमको दीवाने लोग कहते हैं। और अब उस गीत पर आता हूं। हमने इसमें पानी की बोतल को मैंने नई संस्कृति माना है और कुएं को पुरानी संस्कृति, और बस पूरा गीत इसी पर आधारित है। चार बंद सुनाता हूं आपको। हाँ बेटा, हाँ थैंक यू। चार बंद ये पढ़ता हूं आपके सामने। बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी, इससे बढ़िया मैंने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा है। बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी, सुनता नहीं कुएं की सुनता नहीं कुएं की कोई भी अब कहानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी, पोखर भी खो रहे हैं खलिहान खो रहे हैं, छप्पर के फूस कच्चे दालान खो रहे हैं, खेतों से खो रही है खुशबू भी जाफरानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी। और चार पंक्तियां और सुनिएगा। बैलों की जोड़ियां और हलवा है खो रहे हैं, बैलों की जोड़ियां और हलवा है खो रहे हैं, गायों के झुंड वाले चरवाहे खो रहे हैं, मिलती नहीं है बूढ़े मिलती नहीं है बूढ़े बरगद तेरी निशानी, बिकने
लगा है जब से बोतल में बंद पानी। इसका एक बंद सुनिएगा, संबंधों पर मैंने लिखा है, प्रयास किया है। मौसी, जब हम लोग बचपने थे सिर्फ मैं ही लोरी नहीं सुनाती थी, मौसी भी लोरियां सुनाया करती थी, बुआ भी लोरियां सुनाया करती थी। देखिएगा वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। मौसी की लोरियां और बातें बुआ की प्यारी, मौसी की लोरियां और बातें बुआ की प्यारी, कोयल की बोलियों संग जुगनू की अदाकारी, कोयल की बोलियों संग जुगनू की अदाकारी, किस्सों से खो रही है, किस्सों से खो रही है अब दादी और नानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी। और इस गीत का अंतिम मन सुनाता हूँ, बीच के दो चार मन काटता हूँ, अंतिम मन सुनिएगा। ऐसा हुआ क्यों समाज में, सम्मान खो रहे हैं, सत्कार खो रहे हैं, सम्मान खो रहे हैं, सत्कार खो रहे हैं, परिधान खो रहे हैं, परिवार खो रहे हैं। आदमी प्रदेश में नौकरी कर रहा है, बाल बच्चों से दूर, उसके माँ बाप दूर है, उसकी मजबूरियां है, आना चाहता है फिर भी नहीं आ पाता वो कई बार, और कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं, परिवार वाले बुलाते हैं फिर भी नहीं आता वो। दोनों में देखिए परिस्थितियां, एक ही पंक्तियों में दोनों परिस्थितियां हैं। सम्मान सत्कार खो रहे हैं, सम्मान खो रहे हैं, परिधान परिवार खो रहे हैं, परिधान खो रहे हैं, सोने पे चढ़ गया हो, सोने पे चढ़ गया हो पीतल कजे से पानी, बिकने लगा है जब से बोतल में बंद पानी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियों को और आदेश विक्टर भाई करके गए हैं, वहीं से ऐसे ऐसे करके। अब सुनिएगा, लोगों ने कहा बहुत सारी चीजें होती है ना, अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, लोग कोई उसमें किसी नेता को देवी देवता समझ रहा है, कोई किसी कुछ समझ रहा है। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। कुल द्रोहियों को कुल का नंदन समझ रहे हैं, कुल द्रोहियों को कुल का नंदन समझ रहे हैं, बलिदानियों को गाली दे वंदन समझ रहे हैं, बलिदानियों को गाली दे वंदन समझ रहे हैं, गोबर के ढेर में सदा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, गोबर के ढेर में सदा गोबर ही मिलेगा, कुछ लोग लीद को भी चंदन समझ रहे, कुछ लोग लीद को भी चंदन समझ रहे हैं।